गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो हम लोग आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। फर्स्ट आप लोग क्या कीजिए ना, जो आइडेंटिटी का रिलेटेड फॉर्मूला है, विद इन 2 मिनट्स हम क्वेश्चन लिखने के बिटवीन आप लोग उसको लिख लीजिए कॉपी में। ट्रिगोनमेट्री का जितने सारे फॉर्मूला है उसको जल्दी से लिख लीजिए। इक्वल टू कोसेक के अकॉर्डिंग, अभी बताइए कोसेक के प्लस कॉटन एलएचएस क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाय क्या है? अभी बताइए कोसेक और क्वाड में आंसर है तो न्यूमेरेटर इसका कितना से डिवाइड करेंगे तो कोसेक और क्वाड में पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। साइन से ऊपर नीचे हम लोग साइन से डिवाइड, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन होल डिवाइडेड बाय साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सी। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग? ऐसा लिख सकते हैं दोनों साइड को साइन में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कोसेक का क्वाड में रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए साइन लिया हम लोग। तो पहले बताइए फर्स्ट क्या होगा, कॉस ए बाय साइन ए, दैट मींस हो जाएगा कॉट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए होल डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन, दैट मींस क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। क्या ऐसा कर सकते हैं, कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए दैट मींस कॉट ए, साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए दैट मींस वन, वन बाय साइन ए दैट मींस कोसेक ए। नेक्स्ट कॉस ए बाय साइन ए दैट मींस कॉट ए, साइन बाय साइन दैट मींस वन, वन बाय साइन दैट मींस कोसेक। क्लियर है ना? ओके अब देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं, सबसे इजीएस्ट मेथड को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ओके देखो यहां से हम लोग लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन होल डिवाइडेड बाय, नीचे जैसा है वैसे ही रखेंगे एज इज वेल, दैट मींस कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। ऊपर में वन की जगह में को कॉट और कोसेक का रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी आप लोगों को पता है? कॉस कॉट और कोसेक का रिलेटेड कोई भी आइडेंटिटी पता है आप लोगों को? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, दैट मींस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। सो वन की जगह में आप क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक क्या करेंगे हम लोग, वन प्लस, हम जानते हैं क्या फॉर्मूला, क्या जानते हैं बोलो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन। ठीक ना, तो वन की जगह में क्या बैठा देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं इसमें इसको तोड़ेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड
in the form of cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta. Cosec theta plus cot theta into cosec theta minus cot theta. देखो cosec theta plus cot theta एक कॉमन हो जाएगा दोनों जगह से, तो क्या बचेगा cot a theta, नहीं यहाँ पर लिखूंगा cot a plus cosec a कॉमन ले लेंगे तो अंदर में इसके लिए क्या बचेगा वन माइनस कोसेक माइनस कॉट, मतलब माइनस कोसेक प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मस्ट मस्ट प्रैक्टिस ओनली फाइव टाइम्स, फाइव टाइम्स मिनिमम प्रैक्टिस कीजिएगा इस तरह का रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में भी ऐसा क्वेश्चन है और आगे से प्रॉब्लम में सात आठ क्वेश्चन और होगा, बना लीजिएगा बहुत बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सोच भी नहीं सकते। ओके यू कांट इमेजिन, सो पहले क्या किए वक्त फिर से देख लीजिए, ऊपर नीचे दैट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या किए साइन थीटा को डिवाइड किए, क्यों साइन थीटा को डिवाइड किए क्योंकि हम लोगों को प्रूव करना है cosec a plus cot a, तो दोनों को साइन से डिवाइड किए क्या आएगा cos by sin मतलब cot, sin by sin मतलब 1, 1 by sin मतलब cosec, cos by sin मतलब cot, sin by sin मतलब 1, 1 by sin मतलब सो ये हो जाएगा। अब इसमें 1 की जगह हम पुट कर देंगे, 1 की जगह हम क्या है cos square minus cot square पुट कर दिए, इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे प्लस b into a minus b में ब्रेक करेंगे, उसमें से cot a plus cos a को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या इस जगह से 1 बचेगा और इधर से माइनस करेंगे तो माइनस cos a होगा और इधर हो जाएगा माइनस प्लस cot a होगा, ये नीचे ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो बचा गया cot a plus cos a के, अरे ये आपका आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए फिर दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। तो इरेज कर देते ये वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, अब इसमें इसको बनाने का प्रयास करो। अंदर तो वन प्लस साइन है डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन, वन प्लस साइन उसका ऑपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे डिवाइड करो आंसर आ जाएगा, तो वो LHS क्या है बताओ, LHS 3 हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, सॉरी टू से इसमें आपका सिंबल देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, ऊपर में प्लस नीचे माइनस,
ऊपर से हम प्लस सी का डिमांड मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वन वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए, अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिल गया वन प्लस साइन ए होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर, ऊपर में होगा वन प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, तो ये रूट में रहेगा ना, बाहर में आएगा तो क्या हो जाएगा ये कॉस हो जाएगा, तो आप लिखो इसको वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, रिजल्ट क्या होगा वन बाय कॉस मतलब सी के प्लस क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस मतलब टेन इक्वल टू आर एच एस। समझ में आ गया ना, वन बाय कॉस मतलब सी है और साइन बाय कॉस मतलब टेन है, सी के प्लस टेन इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नीचे जो सिंबल है ना नेगेटिव का एक्स नेगेटिव सिंबल है, तो हम लोग पॉजिटिव को लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ऊपर दें वो क्या हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन स्क्वायर, सो वन माइनस साइन स्क्वायर बाय आइडेंटिटी इक्वल टू अगर कॉस स्क्वायर तो रूट में रहेगा तो कॉस ही हो जाएगा, तो वन बाय कॉस मतलब सेक हो गया साइन बाय कॉस मतलब टेन हो गया, आपका आंसर रेडी हो गया। तो बना लीजिए, फिर सेवन में चलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एलएचएस क्या है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा होल डिवाइडेड बाय टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा आपको शो करना होगा, क्या शो करना होगा टेन थीटा, तो पहले आप क्या कॉमन लेंगे साइन थीटा को कॉमन ले लीजिएगा, तो वन माइनस क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, इससे कॉस थीटा को कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें क्या होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, साइन बाय कॉस मतलब हो गया टेन थीटा, इसमें लिख सकते हैं वन माइनस टू इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो रिजल्ट क्या होगा टेन थीटा वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा बताओ, इसी एक में कन्वर्ट कर दिया हम लोग, ठीक है ना, टेन थीटा वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना, देखो किसी एक को चेंज करेंगे दोनों को चेंज करेंगे तो नहीं होगा,
इसी एक को चेंज करते हैं, इसमें क्या था, टू कॉस का थीटा माइनस वन ही था ना, दोनों को चेंज कर देंगे तो दिक्कत होगा आने में आंसर। फिर क्या करेंगे हम लोग, बोलो टेन थीटा क्या हो जाएगा इसमें, बोलो वन माइनस टू प्लस टू कॉस स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या हो जाएगा टेन थीटा और हो जाएगा वन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल क्या होगा आर एच एस, क्या रिजल्ट हो जाएगा आर एच एस। बना लीजिए फिर आगे क्लासेस क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा एलएचएस क्या होगा बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, क्लियर है ना, खाली ए प्लस बी होल स्क्वायर होती है। अब हम लोग लिखते जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ में लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं बताइए, कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, देखो ये हो गया काम, इसका भी काम होगा, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए टू इंटू साइन ए इंटू कोसेक मतलब वन प्लस साइन ए प्लस सेक मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए टू वन बाय सेक मतलब कॉस ए, तो क्या लिखेंगे बताइए, इसका वैल्यू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टू प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टू, तो रिजल्ट क्या होगा वन वन टू 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 फोर एक फाइव सिक्स सेवन, तो सेवन प्लस क्या होगा सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए सेक ए, और हम लोग तोड़ देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, फिर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन बाय साइन थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए की कॉस ए इनटू सेक ए, अब देखो सब कैंसिल हो गया ना, साइन ए कैंसिल होगा यहां से कोसेक कैंसिल होगा, ओवरऑल क्या बच गया सेवन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एस। सो बहुत सारे आइडेंटिटी यूज हुआ, बहुत सारा फॉर्मूला यूज किया हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और उसके बाद क्या हो गया ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया।
जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे। चैट बॉक्स में कोई मैसेज आए लगे। इरेज करते इस क्वेश्चन को। ओके okay. प्रूव दैट कोसेक माइनस साइन ए कोसेक माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाय साइन ए प्लस टेन ए प्लस वन। टेन ए प्लस वन है ना। तो एलएचएस क्या है भाई? एलएचएस ये है ना, इसको तोड़ देते, इसको भी तोड़ देते। कोसेक मतलब हो गया 1 बाय साइन ए माइनस साइन ए, 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन ए इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर में एडमिशन क्या होगा, cos² a / sin a into sin² a / cos a। तो रिजल्ट क्या होगा बताइए, sin a cos a। रिजल्ट क्या होगा, sin a cos a। अब तो ये हो गया आपका एलएचएस था, एलएचएस था, और ये कितना है, ये हो जाएगा आरएचएस, नहीं आरएचएस नहीं सॉरी। अब आपको देखो, इसको भी तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ देते हैं, आरएचएस को भी तोड़ देते हैं। आरएचएस है क्या बोलो, 1 बाय 10 a + 40। तो 1 बाय 10 मतलब क्या है, sin a / cos a + 40 मतलब हो गया कितना, cos a / sin a। तो रिजल्ट क्या होगा इसमें बोलो, ऊपर में चले जाएगा sin a cos a, और नीचे क्या होगा बोलो, sin² a + cos² a। कैल्सियम कर दिए इसको, तो sin² a + cos² वो क्या ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब 1 है। तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, sin a cos a, देखो क्या हो जाएगा, LHS = RHS हो जाएगा आंसर। बना लीजिए क्वेश्चन को। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब क्वेश्चन बन गया। अभी कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है क्या? अभी और भी एक क्वेश्चन बाकी है क्या? यस, और भी 10 नंबर क्वेश्चन बाकी है, उसको भी बना लेते हैं हम लोग। cos² a / cos² a = 1 - 10 a / 1 - 40। उसमें आपका LHS क्या है, LHS दोनों को तोड़ेंगे, इससे इसको निकालेंगे बार बार, इससे इसको निकालेंगे, 1 + 10² a / 1 + cos² a। 1 + 10² का मतलब क्या होता है, 6² a, और ये हो गया 2 6² a। 6 मतलब हो गया 1 by cos² a और 1 by sin² a, तो ऊपर में चला गया sin² a / cos² a, दैट मीन्स 10² a हो गया आंसर एक। अब दूसरा में क्या है, 1 - 10 a / 1 - 40 a²
अब इससे भी टेंस पे निकालना होगा तभी ना आंसर आएगा आपका। तो इसको भी आप तोड़ दीजिए, होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ दीजिए, फिर आंसर निकाल लीजिए। होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ दीजिए तो क्या होगा, वन माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए, उसके बाद क्या होगा, वन माइनस वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस टू कॉट ए, हो गया। अब वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस कॉट स्क्वायर का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर मतलब हो गया सिक्स स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कॉट ए। सेक मतलब वन बाय कॉस और साइन बाय कॉस, इस तरह का ब्रेक कर दीजिएगा, ब्रेक करने के बाद आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखो इसको तोड़ देते हैं, इधर वाला तो हो गया, इसको इरेज कर दे, और भी आसान तरीका है इससे बना रहे हैं तो बना दे। सेक मतलब वन बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए बाय कॉस डिवाइडेड बाय क्या होगा, वन बाय साइन स्क्वायर ए माइनस टू टू होगा कॉस ए बाय साइन ए, तो वन बाय कॉस स्क्वायर मतलब क्या हो गया सिक्स, मतलब इधर नीचे हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और ऊपर में वन माइनस टू साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय क्या होगा साइन स्क्वायर ए नीचे रहेगा तो वन माइनस टू साइन ए कॉस ए, तो साइन और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इन ऊपर वाला पार्ट दोनों कैंसिल हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, इससे भी टेन स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट है, अब आप लोग क्या करेंगे,